नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम UGC NET की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पार्ट 3 को आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम दोस्तों 10 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो हमारा पिछली वीडियो का प्रश्न है जो हमने आपसे पूछा था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी चारों ऑप्शनों को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार ऑप्शन दी गई थी इसमें, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान। तो इसके आंसर दोस्तों सी और डी है, दो ऑप्शन इसके सही हो गए दोस्तों, क्योंकि जो प्रगतिवाद नाम से जो पुस्तक, प्रगतिवाद नाम से जो शीर्षक की पुस्तक है वो शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह ने दोनों ने लिखी है, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है दोस्तों। और दोस्तों ये इसका प्रकाशन वर्ष है जो शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई प्रगतिवाद शीर्षक से 1946 है इसका प्रकाशन वर्ष, और जो शिव कुमार मिश्र के द्वारा लिखी गई है वो 1966 है इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है हमारे पास 23वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दी गई है, नीड का निर्माण, फिर झूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। दूसरी ऑप्शन है अपनी खबर, नीड का निर्माण, झूठन, शिकंजे का दर्द, झूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी अखबार, नीड का निर्माण, फिर से। उसके बाद डी ऑप्शन है हमारे पास, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर, नीड का निर्माण, फिर झूठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब इनको हम विस्तार से देख लेते हैं कि अपनी खबर का प्रकाशन है 1960 में, किसकी है, पांडे वेचन शर्मा उगर की रचना है ये। नीड का निर्माण 1970 में इसका प्रकाशन वर्ष है और हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। झूठन ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, 1997 इसका प्रकाशन वर्ष है। शिकंजे का दर्द 2011 में इसका प्रकाशन वर्ष है और सुशीला टक भोरे के अनुसार उसके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का अनुक्रम। तो चार कहानियां दी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट और डायन। तो शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष है 1948 और अगेजी के द्वारा ये लिखी गई है। परिंदे 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है और निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। कॉमरेड का कोट 1993 में इसका प्रकाशन वर्ष है और श्रेयंजय के द्वारा ये लिखी गई है। डायन की बात की जाए तो ये 1998 ईस्वी में लिखी गई है और किसकी रचना है, बेसुम साहनी जी की। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। तो कुबेरनाथ जी के जो निबंध संग्रह है, पहला ऑप्शन है कामधेनु, मराल, आगमन, आगम की नाव, गंध मादन। दूसरा ऑप्शन है गंध मादन, कामधेनु, मराल, आगमन की नाव। सी ऑप्शन है हमारे पास मराल, आगम की नाव, गंध मादन, कामधेनु, और चौथा ऑप्शन है आगम की नाव, गंध मादन, कामधेनु, मराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसको हम देख लेते हैं, कुबेरनाथ जी के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है, गंध मादन 1972 में, कामधेनु 1980 में और मराल 1993 में, आगमन का नाव ये है 2002। ये किसके निबंध संग्रह है, कुबेरनाथ राय जी के। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन ए, सही इसका आंसर है सज्जन, ये 1910 में इसका प्रकाशन वर्ष है। विशाख ये 1921 में लिखा गया है। जनमेज का नागयज्ञ ये 1926 में प्रसाद जी के नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए ये 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। सज्जन 1910 ईस्वी में, विशाख 1921 में, जन्मे का नाग यज्ञ 1926 में
और ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए तो 1933 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, त्रियमदी व्याप्रीत्य शक्ति व्युत्पत्तिर व्यासा, यह कथन किस आचार्य का है? तो चार ऑप्शन दी गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रद। अब रुद्रद की बात की जाए तो इनका ये कथन है, और रुद्रद कश्मीर के निवासी थे, 9वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है, जबकि इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार और उसमें 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक इसमें दिए गए हैं, जो रुद्र का ग्रंथ है काव्य अलंकार। आचार्य मम्मट की बात की जाए तो मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, और जयदेव का ग्रंथ है, जयदेव के ग्रंथ की बात की जाए तो गीत गोविंद और चंद्रलोक। आचार्य वामा के का ग्रंथ है जो ये है काव्य अलंकार। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति भेद का भेद नहीं है, वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वक्रोक्ति के भेद 6 माने गए हैं और 21 के द्वारा माने गए हैं, तो ये हमारे आचार्य कुंत के द्वारा इन्होंने 6 भेद माने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उक्ति विन्यास वक्रता, ये इसका भेद नहीं है, जबकि 3 इसके भेद है। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने, कुंतक है वक्रोक्ति के प्रवर्तक, ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, जिसमें है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाधर वक्रता और पद प्राद वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये 6 भेद माने हैं कुंतक जी ने, जिसमें से उक्ति विन्यास ये इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है भटनायक, भट लोलक, संकुक, अभिनव गुप्त। दूसरा ऑप्शन है भट लोलट, संकुक, अभिनव गुप्त, भटनायक। तीसरा ऑप्शन है भट लोलट, संकुक, भटनायक, अभिनव गुप्त। चौथा ऑप्शन है संकुक, भट लोलट, भटनायक, अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भट लोलट का जो दर्शन था ये मीमांसा दर्शन था और इन्होंने सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद। संकुक का जो दर्शन था ये था न्याय दर्शन और अनुमतिवाद इन्होंने सिद्धांत दिया। भटनायक की बात की जाए तो सांख्य दर्शन इनका था और भुक्तिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। अभिनव गुप्त की बात की जाए तो अभिनव गुप्त का जो दर्शन था वो शैव दर्शन था और अभिव्यक्तिवाद का जो सिद्धांत इन्होंने दिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। चार ऑप्शन दी गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी, रस मीमांसा आलोचना के मान, नई कविता, नई कविता के अस्तित्ववाद। रस मीमांसा का प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1949 इसका प्रकाशन वर्ष है, और किसका ये ग्रंथ है तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आलोचना के मान 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है, कालक्रम है, और शिवदान सिंह चौहान के द्वारा इसको लिखा गया है। नई कविता 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, और किसकी ये रचना है तो ये नंदोलारे वाजपेयी का ग्रंथ है। नई कविता और अस्तित्ववाद ये ग्रंथ किसका है तो ये रामविलास शर्मा जी का है, और 1978 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है हमारे पास 31, निम्नलिखित लेखकों की रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करने की बात की जा रही है तो विजयसेन सूरी का क्या है, विजयसेन सूरी का रेवंत गिरी रास इन्होंने रचना लिखी है, नरपति नाहला जी की ये विशलदेव रासो लिखा है इन्होंने, और शालीभद्र सूरी इन्होंने लिखा है भरतेश्वर बाहुबली रास, और आसगु कवि ने क्या लिखा है, आसगु ने लिखा है चंदन बाला रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसमें लिखा है विजय सेन सूरी ने लिखा है रेवंत गिरी रास, नरपति लाला जी ने लिखा है विशलदेव रासो, शालीभद्र सूरी ने लिखा है भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु कवि ने क्या लिखा है
चंदनवाला रास और डोमिपा ने लिखा है योग चर्चा। और आज का प्रश्न है हमारा, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो प्रश्न है हमारा, संप्रदाय के प्रवक्तों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित कीजिए। श्री संप्रदाय किसका है, ब्रह्म संप्रदाय किसका है, रुद्र संप्रदाय किसका है और सनकादि संप्रदाय किसका है। ये चार ऑप्शन दी गई है आपके पास और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको आप तक समय से पहुँच जाए। और दोस्तों वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।